लाइफ में शिकवाई होगी, उसमें लाइफ मानी जाएगी। तुम बातना में बाद ही मूसा भी आया थी ना, इलाज राव ना बमले ही, तो बमले मुंह भी था। मंगूर के सजा ना आप बदल में वाला मूसा आया कि राव में इन्हीं वसूल में वो फिला लगी। हकीकुम आला अल्लाह फूल आला अल्लाह ही कर हक। قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. उसके बाद हमने मूसा को अपनी आयत के साथ फिरौन उसके लश्करों की तरफ भेजा, उसके सरदारों की तरफ भेजा, मगर उन्होंने हमारी निशानियों के साथ जुल्म किया। तो देखो कि फसाद फैलाने वालों का अंजाम क्या हो। मूसा ने कहा कि फिरौन, मैं रब्बुल आलमीन का रसूल और मैं इस बात पर मुसर कि मैं अल्लाह के बारे में कोई बात नहीं कहूंगा मगर वही जो सच। मैं तुम्हारे पास खुदा की निशानियां लेकर के आया हूँ, तुम्हारे खुदा की, तो तुम बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दो। फिरौन ने कहा कि अगर तू कोई निशानी लेकर के आया है तो दिखा, सामने ला उसको, अगर तू सच्चों में से है। मूसा ने अपनी लाठी डाल दी तो वो एक जीता जागता अजदहा बन गई। फिर उसने अपने हाथ निकाला तो देखने वालों के लिए एक चमकता हुआ, देखने वालों के सामने वो चमकने लगा। तुम वासना में बाद ही मूसा भी आया थी ना इलाज राउन अमले ही। उसके बाद हमने मूसा को भेजा अपनी निशानियां लेकर, निशानियां देकर फिरौन और उसके कौम की उसके सरदारों की तरफ, लेकिन उन्होंने निशानियों के साथ जुल्म किया। तो ये जो सिलसिला चल रहा था पिछली आयात से वो ये है कि अल्लाह ताला मुख्तलिफ कौमों की दास्तान बयान फरमा रहा है, कौम आद, कौम समूद, कौम शुएब, ये सब ये जो कौमें थी इनके हालात बयान हुए थे। दरमियान में अल्लाह ताला ने अपना एक उसूल बयान फरमाया कि अल्लाह ताला कौमों को पहले आजमाता है मुश्किलात में, डालता है मुश्किल से, अगर उनके दिल अल्लाह की तरफ रुजू नहीं होते तो फिर अल्लाह ताला उसके ऊपर दुनिया के सारे दरवाजे खोल देता है। वो समझते हैं कि हमें बहुत कामयाबी हो रही है, हालांकि वो उनकी तबाही बर्बादी है। फिर अल्लाह ताला अचानक पकड़ लेता है और अजाब उसका आता है। पहले आजमाइश डालता है अल्लाह ताला और उसके बाद फिर अल्लाह ताला अजाब का शिकार बनाता है। तो ये उसूल अल्लाह ताला ने बयान फरमाया था पिछली आयात में। दरमियान में ये बात आई थी, फिर वो सिलसिले बयान अल्लाह ताला शुरू रहा है, यानी अब मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का किस्सा शुरू हो रहा है उसी उसूल के तहत। यानी अल्लाह ताला ये फरमाता है, ये जो उसूल बयान फरमाया उसने अल्लाह ताला ने, कि पहले हक उठता है बहुत कमजोरी की हालत में होता है, दरमियान में ज़ईफ होता है, कमजोर होता है, सच्चाई की दावत बहुत कमजोर होती है और उसके बाद धीरे धीरे वो जड़ पकड़ती है, मुखालिफ कौमें जो है उसके मुकाबले में आती हैं और उसके बाद वो तबाह बर्बाद हो जाती है, खुदा ताला की जैसे गज़ब हरकत में आता है और वो कौमें बर्बाद और तबाह हो जाती है। ये बात अल्लाह ताला ने उसके उसमें शान फरमाई थी और अब यहाँ बनी इसराइल का पूरा किस्सा तफसील के साथ बयान हो रहा है। कुरान करीम में बनी इसराइल का किस्सा बहुत तफसील के साथ आपको जगह जगह मिलेगा और इसका बहुत रिपीटेशन आपको मिलेगा। यही नहीं, मतलब आगे चलेंगे आप फिर कई जगह फिरौन का मूसा इस्लाम का किस्सा है। आखिर इसकी अहमियत क्या है? सबसे ज़्यादा इस तफसील को बयान किया गया है मूसा अलैहिस्सलाम का और बनी इसराइल का किस्सा जो है रिपीटेशन बहुत ज्यादा है इस बात को वो बतौर एतराज कहते हैं। लेकिन मैं आपको पहले एक बार बता चुका हूँ कि कुरान करीम में कोई रिपीटेशन नहीं है, बल्कि कुरान करीम जब कभी भी कोई बात बयान फरमाएगा या कोई किस्सा बयान फरमाएगा उसमें कोई ना कोई इजाफी चीज जरूर बयान।
بار اگر 10 دفعہ بھی قرآن کریم ایک بات کو کہے گا تو 10 بار کہنے میں اس کے 10 فوائد 10 باتیں آپ کو ملیں گی. یہاں پر جو بات میرے بحث ہے وہ یہ کہ قومیں کس طرح تباہ و برباد ہوتی ہیں بس اور کیسے ختم ہو جاتی ہیں, اس بات کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے. اللہ کا جو قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے آزمائش ڈالتا ہے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آزمائش کے بعد خدا تعالیٰ پھر عذاب نازل فرماتا ہے اگر قومیں درست نہیں ہوتی. اس اصول کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ واقعات بیان فرما رہا ہے. یہاں پر صرف یہی بات ہے, آگے جہاں دوسرے موضوع صحت آئے گی تو اس کے نئے انداز ہے اور اس کے نئے پہلو اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں. خاص طور سے بنی اسرائیل کو اس لیے امید دی گئی ہے قرآن کریم میں کہ بنی اسرائیل ایک ماڈل ہے امت مسلمہ, ہمارے لیے ایک ماڈل اور خاص طور سے ہمارے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے تو اس کی بڑی اہمیت ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے تو بالکل ایک ماڈل تھی بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کا پورا قصہ دراصل ہمارے ہمارا پورا قصہ جو ہے اور ہمارے لیے اس میں معزت کے اور نصیحت کے بے انتہا پہلے بے شمار پہلے ہمارے لیے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینے میں تو یہ بالکل سامنے تھے, یہود رہتے تھے, یہود مخالفت کے اوپر اترے ہوئے تھے اور یہ قرآن کریم کا ایک اعجاز ہے. یہود کوئی بہت بڑی قوم نہیں تھے اور آج بھی کوئی بہت بڑی قوم نہیں ہے یہود دنیا میں. یہودی جو ہے اتنی بڑی قوم نہیں ہے. قرآن کریم کا بیشتر حصہ یہودیوں کے اوپر یہودیوں کی ذہنیت پر بیان پر خرچ کیا گیا ہے. ایک سوال لوگوں کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے, یہودیوں کی تعداد کتنی ہے؟ لاکھوں میں ہے بس, زمین کے اندر ان کی شماری کتنا ہے؟ یہودیوں کی تو خاص تو نہیں, اسرائیل ان کا ہے ملک, اس میں چند لاکھ یہودی رہتے ہیں. ان کو قرآن کریم نے کتنی اہمیت کیوں دی ہے یہودیوں کی؟ جگہ جگہ وہ تذکرہ ملتا ہے. تو قرآن کریم نے بیان فرمایا جب حضور تشریف لائے تو دشمنی سے اترے یہود اور دشمنی سے اترنے کے بعد سامنے بالکل تھے, سبھی پرانا نہیں تھا, ان کے واقعات زندہ تھے, قوم یہ مری نہیں اور اسلام کے ساتھ دشمنی کی جو شروع ہوئی تو وہ دشمنی آج تک زندہ ہے. اور یہ ایک کتنے تعجب کی بات ہے کہ آج اسلام کے خلاف جتنی سازشیں ہیں ملت کے خلاف سب کے پیچھے یہودیوں کے سب کے پیچھے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کو اہمیت دی ہے, یہودیوں کو جو اہمیت دی ہے قرآن کریم میں, وہ غلط نہیں ہے. آج بھی اگر جسمانی اعتبار سے ان کے پاس طاقت نہیں ہے عیسائیوں کی طرح سے, ان کے پاس افراد نہیں ہیں, لیکن ان کا دماغ جو ہے آج بھی اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے اور ہر سازش کے پیچھے آپ کو یہودی تو قرآن کریم نے ان کو اہمیت دی ہے اس بات میں کہ مستقبل میں بھی جو رول ادا کرنے والی تھی یہ قوم اتنا اہم تھا کہ اس کا پورا پوسٹ مارٹم کرنا قرآن کریم نے. مسلمان ان کی چالوں سے ہوشیار رہے کیا کیا ان کی چالیں ہوتی ہیں اور سمجھائیں کہ کچھ ہتھیار کو, اس لیے بنی اسرائیل کے خطے کو دوہرا دوہرا کے طرح سے بیان کرتے ہیں. ہندوستان کے مسلمانوں میں کیا ہم لوگ جو ہے اس پہلو سے تو اس میں ایک بات تو آپ یہ توجہ رکھیں کہ بہت ملتی ہے ان سے ہماری کہانی ہندوستان کے مسلمانوں سے. یہ ایک ایسے قوم کی کہانی ہے جو پہلے مصر کے اوپر حکومت کرتی تھی اقتدار سے, جیسے ہمارے ہندوستان کا اقتدار سینکڑوں سال ان کا اقتدار وہاں پر رہا تھا. بنی اسرائیل کا یوسف علیہ السلام کے زمانے سے ان کا اقتدار چلا رہا سینکڑوں سال ان کا اقتدار رہا مصر پر, جیسے ہمارے ہندوستان میں رہا سینکڑوں سال رہا. اس کے بعد پھر ایک قوم فرعون جو تھی اس کی قوم پر سے اقتدار آئی, بری طرح کچل دیا بنی اسرائیل جیسے مسلمان تھے, انہیں بری طرح کچل دیا اور وہ سارا ان کا اقتدار رخصت ہو گیا. جس ملک کے اوپر وہ حکومت کرتے رہے تھے اس ملک میں ان کے غلام کی حیثیت بنی اسرائیل, جو قوم مقتدر ہو کر کے آئی وہ قبطی قوم تھی جو گائے پرست قوم تھی, جب گائے پرست کرتی تھی جیسا کہ ہمارے یہاں بھی اتفاق تھے گائے پرست کرنے والی قوم, تو وہ قوم اقتدار پر آئی اور اس نے جو ہے چن چن کر کے بدلہ لیا اس قوم سے کہ اس نے برسوں تک یہ چن چن کا بدلہ لیا کہ ان کو بالکل کچل دیا, ان کی نسلی صفائی کی اسکیم بنائی, ان کے بچوں کو قتل کر دیتے تھے وہ, ان کی لڑکیوں کو جدا رکھتے تھے, ان کی نسلی صفائی کی اسکیم چلائی انہوں نے تاکہ ان کی مردم شماری کم ہو جائے, ان کی آبادی کم ہو جائے اور ہمارے اقدار جو ہے مصر پر مقدار کم ہو جائے. تو قبطیوں نے ان بنی اسرائیل کو ان مسلمانوں کو جو تھے جن کا اقدار سینکڑوں سال رہا تھا مصر کے اوپر کچلنے کے لیے ہر ممکن سازشیں اختیار کی, ان کی آبادی کم کی, ان کے اوپر تہذیبی حملہ کیا, ان کے مذہبی معتقدات کو چھینا, ان سے گائے کی قربانی کا حق چھین لیا. آگے کی آیات میں یہ آپ کو پورا یہ مطلب تفصیل ملتی ہے, ملے گی ابھی آپ کو کہ اس کا کیا رد عمل, گائے کی قربانی کا حق اسے چھین لیا بلکہ یہاں تک کہ انہوں نے اپنے انداز فکر اپنے طرز فکر میں انجیکٹ کر دیا, بنی اسرائیل تک گائے کو جو ہے محترم سمجھنے لگے, یہاں تک پرستش بھی کر دی. یعنی انہوں نے ایک طرف تو نسلی اعتبار سے ان کی صفائی کی مہم چلائی, دوسری طرف اپنے اعتمادات اس صورتحال میں جب ذلیل حد تک گر گئے تھے بنی اسرائیل
उनकी लड़कियां हरम सराओं में भेज रहे थे और फिरौनों के यहाँ जो है उनकी लड़कियां खिदमत कर रही थी और उनके बच्चे ज़िबह किए जा रहे थे। बनी इसराइल की भी पोजीशन हो गई थी कि जिस मुल्क में वो हुकूमत करते रहे थे सैकड़ों साल मिस्र में, उस मुल्क में उनकी बच्चियां महलों में झाड़ू दे रही थी और हरम सराओं की जीनत बनी हुई थी और उनके बच्चे ज़िबह हो रहे थे, उनके नौजवान कत्ल किए जा रहे थे उस मुल्क में। यूसुफ अलैहि सलाम ने जहाँ पर अजीज मिस्र से तख्त हुकूमत लेकर के और इस्लाम के मुताबिक हुकूमत चलाई, वहां पर उनके कौम की हालत ये हुई कि उनके बच्चे खिदमत कर रहे थे हाकिम कौम और उनकी जो है नौजवान कत्ल किए जा रहे। इस सूरत हाल में अल्लाह तआला ने मूसा अलैहि सलाम को भेजा इस मुर्दा कौम को जिंदा करने को, उठाने के लिए। इसको उठाने के लिए खुदा ने जो नुस्खा शिफा तजवीज किया वो अल्लाह की किताब तौरात, यानी एक कौम जो जमीन की गहराइयों में घुसाई जा चुकी थी, बिल्कुल कुचली जा चुकी थी, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा उरूज बख्शने का जो नुस्खा तजवीज फरमाया वो अल्लाह की किताब तौरात, उनको आदेशी शरीयत दी गई, यानी उनको वो अहकाम दिए गए जो सख्त अहकाम थे, जो जिहाद के अहकाम दिए गए, इनके मिजाज को बदलने के लिए ये हुक्म दिया गया कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो तुम भी दूसरे गाल पर, तुम भी उसके गाल पर थप्पड़ मारो, अगर कोई तुम्हारा एक आँख फोड़े तो तुम भी उसकी आँख शरीयत है, कयामत के लिए इसमें अल्लाह ताला ने आपको दरगुजर की तालीमात दी, इसमें
सब्र की तालीमात दी थी, इसमें इंतकाम की तालीमात दी थी, इसमें जो है ईद के जवाब पत्थर से देने की बात थी। यानी कुरान करीम में मूसवी शरीयत और ईसाई शरीयत सबका इम्तिजाज है, क्योंकि ये क़यामत तक के लिए आई है, कोई किताब तो आने वाली है नहीं, इसमें हर सूरत हाल के लिए रहनुमाई हमारे लिए मौजूद है। कभी ऐसा भी होगा कि हम कुछ ले जाएंगे, कभी ऐसा भी होगा कि हम इख्तियार की हालत में होंगे, कभी ऐसा भी होगा कि हमारे पास मौल दौलत होगा बहुत ज़्यादा, कभी यूँ भी होगा कि हम दाने दाने को तरस रहे होंगे। हर चीज़ के लिए, हर सूरत हाल के लिए कि सब्र में हम क्या करें, बदला लेने के लिए हम क्या करें, कुचल जाए तो हम कौन सा एक्शन लें, कौन से एग्जाम लें, ये सारी चीज़ें हमें कुरान करीम के अंदर ही तो मिलेंगी, कोई और किताब तो हमारे लिए आएगी नहीं। तो जैसा आतिशी शरीयत दी गई बनी इसराइल को और आयात एतमाद अदा की गई उन्हें ताकि उनके अंदर एतमाद पैदा हो, वैसे कुरान करीम की वो आयात एतमाद जिनके ऊपर पर्दा डाल दिया गया है उनको उजागर करने की जरूरत है। फिर कुरान के जरिए रहनुमाई मकसूद है, फिर कुरान के जरिए मिलत को उठाना है। तो कुरान करीम के अंदर वो भी बहुत सी आयतें हैं जो सुबह की, और वो भी बहुत सी आयतें हैं जो दूसरे के आगे जाने की तालीम देती हैं, और वो भी आयतें हैं जो ईद के जवाब देने की बात करती हैं। तो अब हमें जो है इन हालात में कुरान करीम को कौन से एंगल से पढ़ना चाहिए, कौन से जाविये से देखना चाहिए। अगर हम अपने आप को रखते हैं मूसा अलैहिस्सलाम की जगह, बनी इसराइल की जगह, उन्हीं हालात में हम अपने आप को मानते हैं, तो अभी जाहिर है कि हमें कुरान करीम को की आयात के ऊपर पर्दा नहीं डालना चाहिए, बल्कि जिन आयात पर पर्दा डाल दिया गया है पर्दे को उठाना चाहिए। इत्तेफाक से यहाँ भी कुरान करीम हमारे यहाँ जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल जो है इस पोजिशन में आई, तो बनी इसराइल के उलमा का एक किरदार जो है कुरान करीम के अंदर बयान किया गया है जगह जगह। किरदार ये है कि कुरान करीम यानी उन लोगों ने जो है अल्लाह की आयात को और अल्लाह की आयात को ऊपर पर्दे डाले, और पर्दे डालने के बाद समान कलील के लिए यानी हकीर ज़ाती मफादात के लिए अपनी तौरात की उन आयात को पेश नहीं किया जो कि कौम को जो है बेदारी का सबक देती, उनको पेश नहीं किया, बल्कि वही आयात जो खुद उनके दालदलिए का इंतजाम करती थी वो कौम के सामने पेश करते थे। तो कुरान करीम ने उनको वार्निंग दी बनी इसराइल को, माफ़ दिलाकर शुरू की आयात मेरी आयात इसलिए नहीं है कि उनके रिवर्स माली मफादात यानी उलमा को उस वक्त भी चेक किया कुरान करीम ने उनके उलमा को अफसोस इन लोगों के ऊपर ये अपनी बात खुद कहते हैं और उसको कहकर यूं कहते हैं कि खुदा ने ऐसा कहा, अपने हाथ से लिखते हैं सारी बात, तुम यकून हाज हमें नहीं दिला, और फिर यूँ कहते हैं ये खुदा की बात, ये शुरू भी समन कलीला, और मकसद ये होता है कि उसके बदले अवाम से फायदा अपनी चौधराहट का दिल बरकरार रखना, रखना उसका मकसद होता है। तो अब जब बात ये है कि इख्तदार वो कौम एक इख्तदार वाली कौम थी, हम भी इख्तदार वाली कौम थी, उससे भी छीन लिया गया, हमसे भी छीन लिया गया, जो कौम बदले में आई उसी मुल्क में जिसमें इख्तदार रहा था उस कौम ने उनके खिलाफ नस्ल कुशी की स्कीम बनाई, हमारे खिलाफ भी नस्ल कुशी की स्कीम, उनके मजहबी मुतकीदात छीनने की, उनमें गाँव परस्ती का जहन पैदा करने की कोशिश की गई, हमारे साथ भी कोशिश की जा रही है, हमारे अंदर से कौमी गैरत छीनने को कि हम अपनी बच्चियाँ उनके हवाले कर दें, कि हम अपने नौजवानों को कत्ल कर दें, वही सब कुछ हमारे साथ भी। तो फिर उसका इलाज ये था कि मूसा अलैहिस्सलाम असल मैया बनी इसराइल ए फिरौन तू आज़ाद कर दे मेरी कौम को, तहरीक आज़ादी के साथ शुरू किया फिरौन के सामने मिल्लत की बात की, फिरौन के सामने मूसा अलैहिस्सलाम ने मिल्लत की बात की। देखें आप क्या करें, फिरौन के दरबार में आते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, حقيقنا على الله قول على الله الا حق جيت لكم بينه من ربكم فاسمع يا بني اسرائيل اي فرعون कुछ भी हो जाए मैं तो वो कहूंगा जो हक है, तो से हटने वाला नहीं, حقيقنا على الله قول على الله الا حق جيت لكم بينه من ربكم खुदा की निशानियां मेरे साथ हैं, فاسمع يا بني اسرائيل तू बनी इसराइल को मेरे साथ भेज आजाद कर दे, यानी खुदा के पैगंबर कहने की आजादी से शुरुआत कर रहे, मिल्लत की बात कर रहे, अपनी मिल्लत की आजादी की बात कर रहे। लोग मिल्लत में और इस्लाम में फर्क करते हैं, लोग कहते हैं हमें इस्लाम की बात करनी चाहिए, मिल्लत की बात नहीं करनी चाहिए, मिल्लत की बात नहीं करनी चाहिए, मिल्लत की बात कौम परस्ती है, मिल्लत की बात मुस्लिम कौम परस्ती है। यहाँ तो मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं असल मैया बनी इसराइल, अभी तो ये भी नहीं कह रहे हैं कि तू ईमान लिया कि तू तौहीद के ऊपर यकीन कर ले कि तू अल्लाह वाहिद के आगे झुक जाए, इस बात को भी हाईलाइट नहीं कर रहा है कुरान करीम। हालांकि कहीं मूसा अलैहिस्सलाम जो खुदा के पैगंबर हैं तो ये बात सबसे पहले कही होगी, खुदा के सारे पैगंबर शिर्क का खात्मा करने के लिए दुनिया से आते हैं, लेकिन उनकी दावत में मिल्लत को यकजा करने का इतना जबरदस्त मफहूम शामिल था कि मूसा अलैहिस्सलाम की तस्करी के साथ जो दावत कुरान करीम नकल कर रहा है वो ये कि ऐ फिरौन मेरी कौम को आजाद कर, यानी अपनी कौम की आज़ादी के साथ शुरुआत कर रहे हैं, उसकी वहदत कुरान करीम अपनी तौरात के जरिए उस कौम को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं जो उसके
اختلافات پیدا ہو گئے تھے, طرح طرح کے گروہ اس کو ایکزٹ کر رہے ہیں تورات کے ذریعے. اس کی پیچھے کچھ زیادہ حکمت ہوتی ہے. لوگ کہنے لگتے ہیں کہ ہمیں دعوت کا کام کرنا چاہیے, غیر مسلموں میں اسلام پھیلانا چاہیے, ان میں اسلام کی بات کرنی چاہیے. اور میں کہتا ہوں اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ ملت کو ایک تو کریں. ملت کی بات کرنا پہلا ہے, دعوت کی بات کرنا تو بعد میں. ہمارے سامنے خود تجربہ ہے, جب کسی آدمی کو مسلمان کرتے ہیں, مسلمان کی بات کرتے ہیں, تو پہلے وہ یہ پوچھتا ہے کہ میں مسلمان ہونے کے بعد اگر کوئی مسلمان کرنے والا اس کو بریلوی ہے تو اپنے مسلک میں لے جاتا ہے, دیوبندی تو اپنے مسلک میں لے جاتا ہے, کوئی شیعہ ہے تو اپنے مسلک میں لے جاتا ہے, سنی تو اپنے مسلک میں لے جاتا ہے. ایک صاحب مسلمان ہوئے, مسلمان ہونے کے بعد مسجد میں, یہ ہمارا تجربہ ہے, یہ بات میں ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ نماز کا وقت ہوا تو الگ کھڑے ہو گئے, نماز نہیں پڑھی. انہوں نے پوچھا ان سے بھی نماز کیوں نہیں پڑھے, تو پہلے کہ پڑھانے والا جو ہے یہ بریلوی ہے, میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں. پہلے نماز ہوگی نہیں تو مشرک ہے, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی تو بتائیے کیا فائدہ ہوا. آسمان سے کھجور مٹک گئے, فائدہ کیا ہوا. جب تک ملت کو متحد نہیں کریں گے تب تک دعوت بھی بے اثر رہے گی. آدمی تو پہلے یہ سوچے گا ادھر جاؤں ادھر جاؤں, کہ کون سے اس میں پھنسوں, لوگ اپنی طرف بلائیں گے, اپنے مسلک کی طرف بلائیں گے, اپنے گروہ کی طرف بلائیں گے, اپنی پارٹی کی طرف بلائیں گے, اسلام کی طرف بلائے گا کون. جب تک ہم اپنے امتیازات کو ختم نہیں کر دیں گے تب تک ہم دعوت کا کام ہی کر نہیں سکتے. دعوت کا کام بھی جب ہی کرنا ہوگا جب ہمیں اپنے اندر کے جو اندر گروہ ہیں, جو اندرونی دیواریں ہیں, ان کو جب تک ہم توڑ نہیں دیں اور ایک ملت بن نہیں جاتی. تو موسیٰ علیہ السلام اپنی ملت کی بات کر رہے ہیں, ملت کرنے کی بات کر رہے ہیں. یہ پورا ہم کو چیک آؤٹ کر کے دے رہا ہے قرآن کریم, ملت کی فلاح کا منصوبہ کیا ہونا چاہیے, کیسے اٹھائی جائے. یہ بنی اسرائیل کی زندگی میں ہم کو مکمل طور سے مل رہا ہے, پورا پورا پروگرام مل رہا ہے, پورا پلان مل رہا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں ہمارے لیے اور بھی اہمیت ہے اس بات کو, اس طرح سے ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ضعیفی کے عالم میں اسلام کی دعوت شروع ہوتی ہے, کیسے موسیٰ علیہ السلام ملت کو مجتمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کی تورات کی بنیاد کے اوپر, کتاب اللہ کی بنیاد کے اوپر, پھر کیسے اقدار کو چیلنج کرتے ہیں اور پھر کیسے کامیاب ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کیسے کامیابی ان کو عطا فرماتا ہے. یہ پورے کہانی ہے جو اس قصے میں بیان کی گئی ہے. اب اس کو جو ہے یعنی آپ کو ایک موسم میں آ گیا تھا, بیک گراؤنڈ پس منظر, اب آپ کیا ہے تو آپ الگ الگ. ثم بعثنا من بعدہ موسیٰ بآیاتنا, اس کے بعد ہم نے بھیجا ان کے لیے, اس کے بعد ہی نہیں ساری قوموں کے بعد جن کا تذکرہ پہلے آیا ہے, آج سمود قوم شعیب, ان کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام آئے, بآیاتنا ہماری نشانیاں لے کر. آیات معجزات بھی ہو سکتے ہیں, آیات وہ دلائل بھی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے دیے فرعون, جو ہارون علیہ السلام نے دیے فرعون, وہ بھی آیات ہیں. معجزات بھی آیات ہیں, خدا کی نشانیاں ہیں, خدا کے وہ دلائل جو پوری کائنات میں دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس کی آیات ہیں. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم الحق, ہر انسان کے نفس میں پوری کائنات میں خدا کی حقانیت کی نشانیاں بکھری ہوئی, خدا کی کائنات کی حقانیت کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں. ساری نشانیاں پیش فرمائی موسیٰ علیہ السلام نے اور ہارون علیہ السلام, الہ فرعون, فرعون کی طرف آئے موسیٰ علیہ السلام. فرعون کا مطلب ہوتا ہے سورج دیوتا کی اولاد, عربی میں کہتے ہیں سورج کو فرعون, انہیں ہیبرو میں عبرانی زبان میں, تو فرعون سورج دیوتا کی اولاد, کیونکہ یہ لوگ سورج دیوتا کے حوالے سے راج کرتے تھے, کہتے تھے سورج ہی خدا ہے اور ہم اس کے نمائندے ہیں یہاں پر, یا اس کی اولاد ہیں, سورج ونشی ہیں, اس لیے ہماری پرستش ہونی چاہیے. اس معنی میں یہ اقدار اپنا جماتے تھے, تو اس لیے اس کے نام فرعون تھا. اور رامسیس کا نام, یہ دو فرعون ہیں, ایک نہیں ہے فرعون, اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں. ایک فرعون وہ ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی ہے پھر وہ مر گیا, اور دوسرا فرعون وہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں دوبارہ, جس کے آج سے جھٹا ہوا ہے اور جس کے مقابلے میں یہ کہا کہ میرے قوم کو آزاد کر دے, یہ دوسرا فرعون. وہاں پر جو بادشاہ بھی آتا تھا اس کو فرعون ہی کہا جاتا تھا. فرعون اس کا وہ ایک لقب تھا, نام نہیں, نام اس کا رامسیس تھا, فرعون اس کا لقب تھا. جس راشٹرپتی ہر صدر کو کہیں گے آپ, لیکن نام بدلتے رہتے ہیں, تو فرعون نام نہیں ہے, فرعون ایک منصب ہے. مصر کے ہر بادشاہ کو, وہ لوگ جو سورج کے حوالے سے راج کرتے تھے انہیں فرعون کہا جاتا ہے. ایک فرعون یہ ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا ہے, ایک فرعون وہ ہے جس کے سامنے موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں کہ میرے قوم کو آزاد کر. دونوں الگ الگ ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرعون کے پاس آئے اور اس کے سرداروں کے پاس آئے, یعنی موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ان کے لیے بھی تھے, دعوت حق ان کے لیے بھی تھے, اپنی قوم کو نجات دینے کے لیے آئے, لیکن حق کی دعوت میں کسی کی اجارہ نہیں ہوتا ہے, وہ سب کے لیے ہوتی ہے, وہ ان کے لیے بھی تھی. اور چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان بھی لائے کچھ نوجوان, فما امن علی موسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی قوم فرعون. موسیٰ علیہ السلام کے اوپر چند نوجوان ایمان لائے, فرعون قوم میں چند نوجوان ایمان لائے, انہوں نے ان کے ساتھ ہجرت کی. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نوجوانوں کو یہ توفیق ہوئی ایمان لانے, ذریت قرآن کریم, نوجوان میں یہ طاقت ہوتی ہے, نوجوان میں صلاحیت ہوتی ہے,
बात को सीने तान कर कबूल कर सकता है नौजवान बात, इसलिए हर दौर में पैगम्बरों की दावत है आपको नौजवानों ने आगे बढ़कर कबूल किया और बूढ़ों ने रद्द कर दिया हमेशा। सारे पैगम्बरों की तारीख है हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र भी ईमान लाने वाले सहाबाए किराम में 80% की उम्र जो है 35 साल से नीचे नीचे, जितने भी सहाबाए किराम ईमान लाए हैं उनमें 80% की उम्र 35 साल से नीचे नीचे हैं, और जो ये ऊपर ऊपर थे 40, 45, 50 साल की उम्र पर अबू लहब और अबू जहल शहबा और युफा और जितने भी लोग थे ये सारे तो हुजूर के खिलाफ मोर्चा लामबंद कर रहे थे, ये सारे तो गाइड कर रहे थे, नौजवान पार्टी नौजवान लोग जो थे हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आए, इसलिए कि नौजवान में हिम्मत भी होती है कि वह कबूल कर सकता है, ये ताकत भी होती है, उसकी खातिर कुर्बानी भी दे सकता है, उसके लिए अपनों से लड़ भी सकता है, खून गर्म होता है। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम क्या बल्कि सारी कौमों की सारे अंबिया इकराम की तारीख है कि उनके ऊपर नौजवान ईमान लाए, तो उनके पास आए मूसा अलैहिस्सलाम और कुछ नौजवान पर ईमान लाए, फज़लमू बिहा लेकिन उन्होंने जुल्म किया अल्लाह की आयात के साथ, अल्लाह की आयात के साथ जुल्म किया, अल्लाह की आयत के साथ जुल्म करने का मतलब क्या है, खुदा की आयात के साथ जुल्म किया। मैं अगर किसी शख्स के साथ इखलास का मुजाहरा करूँ, मैं उसके लिए मुखलिस हूँ, मैं उसके लिए कुर्बान हो जाऊँ और वो मुझे लालची कहने लगे तो मेरे पर जुल्म करना हकीकत यह है, हम किसी के लिए इखलास के साथ कोई बात कहें और वो हमें लालची कह दे तो वापस दुनिया में आप किसी के लिए अपना दिल बिल्कुल खोल के रख दें और वो आपसे बदगुमानी करे तो वो आपके ऊपर जुल्म कर रहा है। खुदा की आयतों के साथ जुल्म का मतलब यही होता है, अल्लाह की आयतें हिदायत देने के लिए आती है तो इनको जादू कहने लगे तो इन पर जुल्म नहीं है, इन पर जुल्म अल्लाह की आयत के ऊपर, वो हिदायत देने के लिए आती है, वो इंसानों को गुमराही से निकालने के लिए आती है, और कोई ये कह दे कि ये जादू है या ये महज अपना इख्तियार जमाने का चक्कर है, यूरी तो अयुखियाकुम मिन अर्दिकुम, फिरौन ने इल्जाम ये लगाया ये कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ हुकूमत करना चाहता है, ये सिर्फ चाहता है कि तुम्हारे मुल्क पर कब्जा कर ले और तुम्हें निकाल दे यहाँ, ये चाहता है, ये दोनों भाई ये चाहते हैं मूसा और ये हारून कि तुम्हारे मुल्क पर कब्जा कर ले, इन्नी अखाफ युबद्दिल दीनकुम और अय्युज़ फिल अर्ज़ फसाद, यूरी तो अय्युज़िकुम मिन अर्ज़िकुम बिज़हदिही, ये तुम्हें तुम्हारे मुल्क से निकाल देना चाहते हैं, ये खुद कब्जा कर लेना चाहते हैं। वो बंदगाने खुदा को हक की दावत देने के लिए आए, उन पर इल्ज़ाम इख्तियार परस्ती का है, ये जुल्म नहीं तौर क्या है, उनका दिल इखलास से जो है उन लोगों के लिए इखलास और दावत हक के जज्बे सरशार थे, और इल्जाम यह है कि ये जादूगर हैं, ये इख्तियार पर कब्जा करना चाहते हैं, यही वो जुल्म है जो उन्होंने किया, और जुल्म तो अपने पर भी किया। एक आदमी जब दावत हक का इनकार कर देता है तो हकीकत में वो अपने पर भी जुल्म करता है, वो चाहता था उन आयात के सदक़े में जिंदगी संवार सकता था, उसे वो फिक्र एतिकाद मिलता कि वो जिंदगी की सही राह पा लेता, लेकिन आदमी जब हक को ठोकर मारता है तो हक हक के साथ साथ वो अपने ऊपर भी जुल्म करता है, क्योंकि वो अपने आप को बर्बाद कर देता है, अपने पर भी जुल्म करता है। فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين, तो देखो कि क्या अंजाम हुआ मुफसिदों का, فانظر देखो कि क्या अंजाम हुआ मुफसिदों का। कुरान करीम आपको बताना चाहता है कि हक़ को बादल की कश्मकश में कभी इब्तिदा नहीं देखनी चाहिए, यानी बिगिनिंग नहीं देखनी चाहिए शुरुआत, बल्कि अंजाम देखना चाहिए। فانظر كيف كان عاقبة المفسدين, ये देखो पयानेकार हुआ क्या। शुरू में तो तुम्हें ये लगता है कि मूसा अलैहिस्सलाम को झुठला दिया गया, कि उन पर जुल्म हो गया, कि उन पर जादूगर होने का इल्जाम लग गया, कि उन्हें जेल में डालने की धमकी दी गई कि तुझे मैं जेल में डाल दूंगा, ये सब कुछ हुआ। शुरू में बड़े कमजोर लगे मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल वाले, बहुत कमजोर लगे, लेकिन ये मत देखो कि शुरू में क्या हुआ, कमजोर कहीं पर ना आखिर बदल मुफ्तीन, ये देखो कि आखिर में क्या, वेट फॉर द लास्ट एक्ट, शेक्सपियर का ड्रामा है, इसमें 6 एक्ट का ड्रामा है, 5 एक्ट तक तो जो है हीरो उसका फिटता ही रहता है, फिटता ही रहता है, वो वेलन जो है कामयाब होता रहता है, बस जहाँ देखो फिट रहा है फिट रहा है, बेचारे जो ड्रामा देखने वाले होते हैं वो रोने लगते हैं कि कितना सच्चा आदमी है और देखो कैसे फिट रहा है और कैसे जालिम आदमी जीत रहा है। तो उस मौके में कहा जाता है कि वेट फॉर द लास्ट एक्ट, अभी 6 एक्ट भी तो देखिए कि अब आखिर में क्या होने वाला है, आखिर में फिर सच्चाई की और हक की जीत होने वाली है और वो जालिम बर्बाद होने वाला है, आखिरी एक्ट देखिए। तो कुरान करीम कह रहा है फंदुर कहीं पर कहना आखिरी बदल मुश्किल, ये देखो कि अंजाम क्या होता है, शुरुआत शुरुआत में तो यही होता है कि आप कमजोर और गरीब लगता है, बदाल इस्लाम और गरीबन देखो तो गरीब पर आया, लेकिन मक्के में तो मुसलमानों की बहुत ही परेशान कुछ हालत थी, मध्य मक्के में तो वो दिन भी गुजर गए कि 3-3 साल तक मुसलमानों को खाना पीना भी जो है कि नसीब नहीं था, भाई गिराम ऐसे हालात गुजरे हैं, कैसा दौर था, अल्लाह अकबर का नारा लगाने तक की हिम्मत नहीं थी। अरे तो हमारे फारूक अलैहिस्सलाम जब पहली बार ईमान लाए हैं तो कहा जाता है कि पहली बार अल्लाह अकबर का नारा लगाए, ये हिजरत से कुछ दिन पहले की बात है, 10 साल तक तो मुसलमान इस पोजिशन में भी नहीं थे कि अल्लाह अकबर का नारा लगा सकें, ये कह सकें कि अल्लाह बहुत बड़ा है, हालांकि अल्लाह की बड़ाई को वो तस्लीम करते थे, मुशरिकीन मक्का
लेकिन मुसलमान इतने कमजोर थे कि वह अपना नारा भी नहीं लगा सकते। तो अगर आप यह देख लेते हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी इस्लाम की इब्तिदा अगर आप देख लें तो आपको बिल्कुल दिल छोटा हो जाएगा, आप दहशतग्रस्त हो जाएगा। अगर आप ये देखेंगे भाई इस कश्मीर में शैतान के दाव तो बड़े गजब के होते हैं, बड़ी चालें गजब की होती है, हक वालों को तो ऐसा उलट के फेंक देता है, तबाह बर्बाद कर देता है, एक नहीं चलती तो कहाँ चले। बादल के साथ तो अजीब अजीब दिलचस्प चीजें हैं, वो तो सब कुछ कर सकता है, उसके पास वीडियो है, उसके पास टीवी है, उसके पास नकली दोशीजाएं हैं, उसके पास बाल रूम है, उसके पास क्लब घर है, उसके पास डांस पार्टियां हैं, वो तो आपके दिल को ललचा कर मोह सकता है। हक वालों के पास सीधे सीधे सीधी सीधी बातों के अलावा और क्या है, कुछ भी नहीं, कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है, तो हार ही जाएगा वो। तो सारी दिलचस्पियां तो उनके साथ हैं, सारे माध्यम मफादात तो उनके साथ हैं, सारे कोटे, सारे परमिट, सारी मफादात, सारे ओहदे, सारी चीजें तो बादल के साथ हैं। हक वाले तो सिर्फ वादे हूर के ऊपर ही टहलाते हैं कि जन्नत में जाकर आपको हूर मिल जाएगी, लेकिन वो तो नकद आपको चेक पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर तो बादल जीतता दिखाई देता है, तो हारता दिखाई देता है, लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहा है कभी भी उसकी इब्तदाई मराहिल को नहीं देखना इस जंग में। हक ये जंग शुरू होती है हक की मकलूबियत से और खत्म होती है हक के गालिब मुफ्सिदीन, और फिर उनको वो मुफ्सिद कह रहा है कि वो मुफ्सिद होते हैं जो हक की दावत का एराज करते हैं, वो इस्लाह करने वाले नहीं, वो फसाद फैलाने वाले होते हैं। दुनिया में जब भी सच्चाई से मुंह मोड़ा जाता है तो सोसाइटी में अमन नहीं आता बल्कि फसाद फैलता है, उनको मुफ्सिद कह रहा है। फंजुर के फैगान अकबदुल मुफ्सिदीन, इन फसाद फैलाने वालों का अंजाम देखोगे क्या होता है, जो सच्चाई से मुंह मोड़ते हैं वो इस्लाह करने वाले नहीं, वो फसाद फैलाने वाले। फंजुर के फैगान अकबदुल मुफ्सिदीन, तो देखो फिर इनका अंजाम क्या होता है। अब यहां से कोई कहानी लगा शुरू करते हैं, देखो अंजाम क्या। وقال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين, موسى نے کہا کہ اے فرعون میں رب العالمین کا رسول حقیق على اللہ اقول على الله الحق, اور میں نے قسم کھائی ہے اس بات حقیق على, میں قائم رہوں گا اس پر, میں جمع رہوں گا, میں لرز نہیں سکتا, میرے پیر بچھل نہیں سکتے۔ یہ عربی میں حقیق کا مطلب لے کر آیا پہلے ہی مرحلے میں, پہلی ملاقات میں خدا کی وہ نشانیاں معجزات جو اللہ نے وعدہ فرمائے ہیں, پہلی ہی ملاقات میں موسیٰ علیہ السلام اس دربار فرعون میں پیش فرما رہے ہیں, پہلا مطالبہ دربار فرعون میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ, اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ یہ وہ ملک ہے جس ملک میں بنی اسرائیل نے صدیوں حکومت کی ہے, اور ان کے مخالفین کی حکومت وہاں پر ہو گئی ہے, اور وہ کچل رہے ہیں اس قوم کو, اس قوم کے نمائندہ فرد کی حیثیت سے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج, اور یہ بات کہنے کا موسیٰ علیہ السلام کو حق ہے جو ان میں قائدانہ صلاحیتیں موجود ہیں, کیونکہ انہوں نے اسی شاہی دربار میں پرورش پائی ہے جس دربار کا سنچالن کرتا ہے, اسی پرورش پائی ہے, اس لیے قوم کو قائد کی تلاش ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خدا نے ایک قائد کی شکل میں بھیجا ہے بنی اسرائیل کے لیے, معلوم ہوا کہ بغیر ایک جاندار قائد کے کوئی قوم حق و باطل کی کشمکش میں باطل کو چیلنج دے نہیں سکتی, دے نہیں سکتی۔ تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھیج دے میرے ساتھ بنی اسرائیل۔ قرآن کریم میں تو تفصیل نہیں ہے کہ انہوں نے کس طرح سے پھر پریکٹیکل وزڈم, کیسے حکمت عملی اپنائی فرعون کے مقابلے میں, لیکن تورات میں ہمیں تھوڑی تفصیل ملتی ہے اس بات کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح سے فرعون کو کیا اور کیسے زیر کیا۔ وہ تفصیل ملتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں, فرعون نے کہا کیوں, آخر تو کیوں چاہتا ہے کہ بنی اسرائیل کو میں تیرے ساتھ بھیجوں, اور کہاں بھیجوں, کہاں چاہتا ہے, کہاں لے جانا چاہتا ہے بنی اسرائیل, اور کہاں بھیجوں میں بنی اسرائیل کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں یہاں سے 3 دن کی دوری پر لے کے جانا چاہتا ہوں اپنے پوری قوم, یہاں سے یعنی ملک مصر سے 3 دن کی دوری پر, 3 دن کے سفر کی دوری پر لے جانا چاہتا ہوں۔ کس لیے, فرعون نے پوچھا, کیوں لے جانا چاہتا ہے 3 دن کی دوری پر, کیوں لے جانا چاہتا ہے تو اپنے قوم کو, علاقوں کی تعداد میں تیری قوم ہے, کیوں لے جانا چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس لیے کہ میں گائے کی قربانی کرنا چاہتا ہوں, اور مصر میں تمہاری قوم مجھے گائے کی قربانی نہیں کرنے دے, میری عبادت جو میں کرنا چاہتا ہوں, میری عبادت کا جز ہے گائے کی قربانی, اور تمہاری قوم مجھے اس ملک میں ایسا نہیں کرنے دے, اس لیے میں اس قربانی کا حق حاصل کرنے کے لیے اپنی قوم کو لے جانا چاہتا ہوں 3 دن دور۔ 3 دن دور کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ خیال ہے کہ یہ صحرائے سینائی ہو سکتی ہے, جہاں موسیٰ علیہ السلام سے خدا تعالیٰ نے باتیں فرمائی جب اپنی جب وہ لوٹ رہے تھے مدین سے, وہ لے کے آ رہے تھے اپنی اہلیہ محترم سارا رضوانہ, تو واپسی میں ایک پہاڑ کے دامن میں صحرائے سنائی میں ایک درخت سے موسیٰ علیہ السلام کو جو آواز سنائی دی تھی اللہ تعالیٰ کی درخت سے جو آواز سنائی دی تھی, وہاں لے جانا چاہتے ہیں اپنے قوم کو, وہ صحرائے سنائی میں جو مصر سے 3 دن کی دوری پر ہے۔
घुमा ले जाना चाहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कुचली कौम की तबीयत करना चाहते हैं एक आजाद माहौल के अंदर। एक आजाद माहौल में वो जानते हैं कि इस गुलाम कौम की तबीयत इस गुलाम मुल्क में गुलाम माहौल में रहकर नहीं होती, वहां से ले जाना चाहते हैं अपनी कौम को। लेकिन फिरौन ये समझ रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम दर हकीकत इस बात का दावा कर रहे हैं कि लाखों की तादाद में फैली हुई कौम को एक झंडे के तहत इकट्ठा करके वो खुद कायद बनना चाहते हैं ताकि कल को ये मुझे चैलेंज करें। जब इतने बड़े लीडर बन जाएंगे कि लाखों की 12-13 लाख की कौम इनके पीछे खड़ी होगी तो ये तो किसी रोज मेरा तख्त भी लड़ सकते हैं, इतने बड़े अगर ये ताकत वाले बन जाएंगे। लिहाजा फिरौन ये अक्सर मुस्तरद कर देता है कि तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दी जाएगी, तुम्हें बने इसराइल को कहीं ले जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आला इन कुंता जिक्ता बिआयतिन, फिरौन ने कहा कि अगर तू कोई निशानी लेकर के आया है तो दिखा, तू अपने आप खुदा का पैगंबर कह रहा है तो दिखा, दिखा कोई निशानी। इन कुंता मिन साजिदीन, अगर तू सच बोल रहा है, दिखा कोई मुजजा, दिखा कोई चमत्कार, अगर तू वाकई खुदा का रसूल है और रसूल होने की बिना पर यह दावा कर रहा है कि मैं इबादत करने के लिए ले जाऊंगा इन्हें, तू कोई सियासी अजाइम नहीं रखता, तो दिखा कोई चमत्कार। बाकी भी आयतीन इन कुंता मिन साजिदीन, मुजजा को अल्लाह ताला जो पैगंबर को अता फरमाता है इसका क्या मतलब होता है, मुजजे का मतलब क्या है, इसको आप समझे। आयत जिसको अल्लाह ने फरमाया और कुरान करीम जो बता रहा है, ये फिरौन की जुबान नकल कर रहा है, इसका ये खुदाई का दावा जो मुसलमानों में मशहूर है कि फिरौन ने खुदाई का दावा किया था, इसका मतलब क्या है। फिरौन तो जो है मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जादूगर तलब कर रहा है, कहता है ये जादूगर है, जादू दिखा रहा है, लो भाई हम जादूगरों से मदद लेते हैं, जाओ भाई मेरे चपरासी को देखो कहाँ कहाँ कौन जादूगर है, उसको इकट्ठा करो, हम इसके जवाब जादू का जवाब देंगे। अगर फिरौन उसी मामले में इसी तरह जैसे हम लोग समझते हैं कि खुदाई का दावा उसने किया था, वो अपने आप को रब्बुस समावात व लर्ज कहता था, तो वो कैसे दरबार में ये बात कह सकता था कि भाई चपरासी को भागो दौड़ो जादूगर इकट्ठे करो हम जादू का मुकाबला करेंगे। खुदाई कायनात के जादूगर को इकट्ठा करता है जादू का मुकाबला करने के लिए, वो तो एक हुक्म दे दो जादू खत्म हो जाए, अब हम ये बात नहीं सोचेंगे कैसा खुदा है जो जादूगरों के मदद का तलबगार है, जो मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने के लिए पूरे मुल्क से जादूगर बुला रहा है, ये कैसा खुदा है। इतनी मोटी बात तो हर आदमी समझ लेगा। तो खुदाई के दावे का मतलब ये नहीं है, बल्कि कदीम कौमें हमेशा जो हुकूमत पर जो लोग काबिज होते थे वो अपने उनको माए बाप और भगवान ही कहा करते थे, भगवान और माए बाप, और वो तख्तीदार पर बैठने वाले अपने आप को नमरूद और खुदा ही समझा करते थे उनके दिमागों में, उनके जो रवैया उनका जो बर्ताव था कौमों के साथ। तो यहाँ खुदाई का मतलब यही है कि उसने वो हुकूक जो खुदा को मिलने चाहिए थे अपने हाथ में ले रखे, अवाम की तकदीर का मालिक वो अपने आप को कहता था, और ये कहता था कि मेरे हुकूम से मेरी दात होनी चाहिए। खुदा का मतलब ये था कि वो अपनी इस तरह दात कराना चाहता था जिससे अल्लाह ताला की दात, अना रब्बुकुमुल आला, मैं हूँ, मैं तुमको पालता हूँ, मुझसे मिलती है रोजी रोटी, मैं देता हूँ तुमको नाच, मेरी फैसिलिटीज, मेरी तख्त हुकूमत में रहते हो, मेरे वफादार क्यों नहीं। तो ये जब ये बात आएगी तो मैं तफसील से आपको बताऊंगा कि खुदाई का मतलब क्या था, खुदाई के दावे का मतलब क्या था कुरान करीम की आयत की रोशनी में। बल्कि क्योंकि कुरान करीम तो खुद ही बता रहा है कि फिरौन तो खुद खुदा की परस्तिश करता था, कह रहा है कि छोड़ो जरूरी अक्तुल मुसा लिया, तो इन्हें खाफ यूं बदला दीन को, मैं डरता हूँ कि ये तुम्हारे माबूदों को तुमसे मुनरिफ कर देगा, तो हमारे माबूदों को हमसे छीन लेगा। वैजरा कब आलिया तक, फिरौन फिरौन से कहा कि वैजरा कब आलिया तक, ये तुझे तेरे माबूदों को जो है, तो गया फिरौन के माबूद तो खुद दरबार वाले कह रहे हैं कि फिरौन के माबूद हैं, फिरौन तो खुद दीगर माबूदों की परस्तिश कर रहा है, फिरौन तो खुद दीगर खुदाओं का मानने वाला है, वैजरा कब आलिया तक, फिरौन तो खुद औरों की परस्तिश कर रहा है। तो खुदाई के दावे का मतलब क्या है, ये बात इंशाल्लाह मैं अगले दर्स में जब आएगी, इतना टाइम नहीं है कि इसको ज़्यादा बयान कर सकूं। और मौजज़ात के बारे में सवाल पैदा होता है कि आखिर मौजज़ात क्या चीज़ है। दुनिया में अल्लाह ने कहा आलम गैब, ये आलम गैब है, ये यहाँ पर ईमान बिल गैब लाना पड़ता है, ईमान भी शहादत नहीं है, यहाँ पर कोई चीज़ दो और दो चार की तरह नहीं दिखाई जाती, यहाँ पर आदमी की अक्ल का इम्तिहान है, सच्चाई को आप पहचानिए, सच्चाई को आप खुद पहचानिए, कोई चीज़ आपको दिखाई नहीं जाएगी, कब्रें फाड़ के आपको मुर्दे नहीं दिखाए जाएंगे अज़ाब, यहाँ पर आसमान फाड़ के आपको जन्नत और दोज़ख नहीं दिखाई जाएगी, ये तो आप ईमान लाइए। लदीने यूं बिल गैब यकीन रसला मुदल्लिल मुत्तकीन, लदीने यूं बिल गैब, मुसलमान वो है जो अनदेखे पर यकीन करते हैं, अनदेखे पर यकीन करना होगा कोई चीज दुनिया में आपको दिखाई नहीं जाए, यही तो बात है, दिखा दी जाए तो फिर काहे का ईमान, फिर काहे का इनाम, जन्नत तो इनाम है ईमान बिल गैब का, जब इनाम ईमान बिल गैब का नाम है जन्नत, तो फिर मौजज़ात क्या चीज है, मौजज़ात में तो सब कुछ दिखा देता है अल्लाह ताला, मुजज़ात फिर क्या चीज है, जब लाठी मार रहे हैं तो अजदहा बन गई है, हाथ में आ रहे तो सूरज बन गया है, अब इसके बाद तो कुछ कहने की गुंजाइश नहीं रह गई, ये तो अल्लाह ने दिखा दिया, दुनिया के उसूल टूट गए, दुनिया में ऐसा नहीं होता है कि लाठी सांप बन जाए, लाठी अजदहा बन जाए, और जब लाठी अजदहा बन गई तो खुदा ताला ने सब कुछ दिखा दिया अपनी कुदरत, मौजज़े ने तो जबान बंद कर दी, जब जबान बंद कर दी तो ईमान बिल गैब कहाँ रहा, तो ये मौजज़े का मतलब क्या होता है, मौजज़ा क्यों होता है, किस लिए होता है। तो आप याद रखें कि मौजज़ा जो होता है, मौजज़ा
मुजजे के लिए बड़ी आसानी से कोई भी कठोरचित आदमी कह सकता है कि जादू मिलती जुलती एक चीज मौजूद होती है। मुजजे से जबान बंद नहीं होती है आदमी कहने के लिए बात होती है उसके पास की जादू है। हालांकि मुजजे में और जादू में नुमाया फर्क होता है। देखने वाली आंख पहचानती है जो मुजजा मुजजा है जो जादू है जादू। जो मदारी है वो तो इनाम के लिए करता है और जो अंबियाए किराम है वो कौमों की असलाह तरबियत के लिए उठते हैं। दोनों के किरदार में फर्क नजर आता है। मदारी तो कमाल देखे जो दिखाइए सरकार इनाम ये हाथ फैला देता है कि लाइए सरकार इनाम दिलाइए, और जो नबी है वो मौजूदा दिखाकर अल्लाह की तरफ बुलाता है और अपने ऊपर सारी कुर्बानी और सारी मुश्किल अपने ऊपर बर्दाश्त करता है। किरदार का फर्क बता देता है कि ये नबी है, ये कोई शोभदा नहीं दिखा रहा है बल्कि ये खुदाई ताकत का इजहार कर रहा है कि मेरे साथ खुदा की नुसरत और खुदा की मदद है। हालांकि इसके बाद भी जो आदमी बदतीनत है उसकी जबान बंद नहीं होती, वो कहने को उसको जादू कह सकता है, उसको हुज्जत तमाम नहीं होती। कहने को वो जादू कह सकता है उसको। मौजूदा बस एक हक पसंद आदमी को इस बात का एहसास देता है कि ये चीज अलग है, कुछ वाकई ये हक लगती है, बस इस बात का एहसास देता है। मौजूदा हक के करीब करता है लेकिन कभी न समझे कि हक को खोल के दिखा देता है। ऐसा कभी हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर अल्लाह ताला का जो मुतालबा है वो ईमान बिलगैब का मुतालबा है, ईमान बिलगैब का। यहाँ कोई चीज इस तरह नहीं दिखाई जाती है कि आप जवाब में कुछ न कह सकते, इस तरह नहीं दिखाई जाती है क्योंकि इसी बात का तो इनाम है जन्नत। तो मौजिजा आयत होता है सिर्फ, यानी अल्लाह की अलामत, अल्लाह को शनाख्त कर सकते हैं अगर आप चाहें उसकी रोशनी। इनकुन तजी तबिया दिन फाति बिहा इनकुन तमिन सादिकीन, दिखाओ तुम मुझको अगर तुम सच्चे हो। फल्का आसा हो, मूसा इस्लाम ने अपनी लाठी फेंक दी। फैजा ये सुहबान मुबीन, वो एक जीता जागता रिश्ता बन गया। फैजा ये सुहबान मुबीन, एकदम जो है वो दौड़ने लगी दरबार में। वनजा यदहु फैजा ये बैजा उल नाज़रीन, और फिर उन्होंने अपने हाथ निकाला। तौरात बताती है कि उन्होंने अपने यानी बगल के नीचे से सीने पर फिरते हुए हाथ बाहर निकाला। तौरात ने तफसील दी है, फैजा ये बैजा उल नाज़रीन, तो वो देखने वालों के लिए चमक रहा था। लिन नाज़रीन, कुरान करीम नाज़रीन पर खास जोर दिया है। फैजा ये बैजाओं पर बात खत्म हो जाती कि वो चमक रहा था। लिन नाज़रीन, देखने वालों के लिए नहीं, ये कोई नजरबंदी नहीं थी, ये कोई नजरबंदी नहीं थी। नजर कहते हैं अरबी में गौर से देखने को, जो गौर से भी देख रहे थे, जमाकर भी नजर देख रहे थे, बारीकी के साथ भी देख रहे थे, उनको भी नजर आ रहा था कि ये एक चमकता हुआ सूरज बन गया है हाथ, ये कोई निराए खीरा नहीं हुई है, आंखें धोखा नहीं खा रही, वो कोई नजरबंदी नहीं थी। गौर से देखने वालों के लिए भी वो कोई शोभदा नहीं, कोई आंखों की चकाचौंध नहीं, बल्कि नाजरीन देखने वालों के लिए साफ था कि वो यदि बैजा है वो एक खुदा की निशानी है कि उनका हाथ चमकने लगा है। तो ये दो दो निशानियां, यानी अजदहा बन जाना लाठी का और हाथ का जो है सूरज बन जाना, सूरज की तरह उसका चमकने लगना, ये दो चीजें जो है दरबार में इस बात की अलामत के तौर पर पेश की मूसा अलैहिस्सलाम ने कि मैं अल्लाह के रसूल हूँ और अल्लाह की मदद और अल्लाह की ताकत मेरे साथ है। लेकिन हसबे तवक्को फिरौन ने इसको जादू का रूप दिया। फिरौन इतना बेवकूफ आदमी नहीं था, वो समझ तो गया होगा, लेकिन उसने पूरे एक सियासी दाव का इस्तेमाल करते हुए फौरन दरबार वालों के सामने ये बात कही, देखो ये जादू दिखा रहा है और जादू की आड़ में अपनी कौम को मुनज़्ज़म करना चाहता है और ये चाहता है तुमसे तुम्हारा अमल छीन ले, तुमसे तुम्हारा, हालांकि छीन रही है अपनी सल्तनत तुमसे, तुम्हें तुम्हारे मुल्क से निकाल दे, वो ये चाहता है। हालांकि तख्त अपना खतरे में है, तख्त इस बार अपना खतरे में है और आवाम से कह रहा है तुम्हें निकाल देना चाहता है। खालिस सियासी नेता का अंदाज होता है, अपने मफादात के लिए वो यही कहता है कि जनता के फायदे, जनता के मफाद के लिए, हालांकि फायदा सिर्फ अपना होता है, तनख्वाह अपने अकाउंट में दर्ज होती है, अलाउंस अपने आप को मिलते हैं, सारे शहर को बताता है ये तुम्हारे लिए, तुम्हारी आपकी कामयाबी हमारी कामयाबी, हमारी कामयाबी आपकी कामयाबी, ये एक सियासी नेता का उसूल होता है। तो वही अंदाज वही जमाने इख्तियार कर रहा है, तुम्हें निकाल देना चाहता है ये तुम्हें, मेरा तो जिक्र ही नहीं है, मैं तो कुछ बात नहीं, ये तुम्हें तुम्हारे मुल्क से निकाल देना चाहता है, जादू की आड़ में होशियार रहे। ये उसने उसको वजह रिएक्ट किया जो हजरत को होना चाहिए। अब ये अगले रुक में ये पूरा मूसा अलैहि सलाम का फिरौन का जिस तरह मुकाबला होता है, मूसा सलाम के साथ गालिब रहते हैं और फिरौन के साथ शिद्दत रह जाता है, ये सारी चीजें जो है अगले रुकू में आएंगी। और वो बात भी कि फिरौन खुदाई का दावा किस माना में करता था, अगले रुकू में आता है वकाल मलाउ मिन कौमी फिरौन अतज़र मूसा वक़ौमहू लियुफ़सिदू फिल अर्ध वयज़रुका वआलिहतक, फिरौन के दरबारियों ने कहा कि तू मूसा को छोड़ दे रहा है ताकि जमीन में फसाद फैलाए और ताकि तेरे तेरे खुदा के खिलाफ, तेरे खुदाओं के खिलाफ आवाज उठाए। यानी दरबारी फिरौन से कह रहे हैं कि तेरे खुदाओं के खिलाफ, वयज़रुका वआलिहतक, तो फिरौन के भी खुदा है, फिरौन भी खुदाओं की प्रस्तिश करता है, वो खुदा नहीं अपने आप किस माना में कह रहा है। ये तो बाद के लोग जो है उसको अपने आप को खुदा बना रहे हैं, जैसे हमारे बिरादराने वतन श्री राम को खुदा बनाए पड़े, हालांकि श्री राम को आप खुद देखिए तो उनका तस्कर ये मिलता है कि वो खुद जो है जब जाते हैं तो खुदा से दुआ करते हैं,
सीधा की वापसी के लिए खुदा से दुआ करते हैं। खुद ये जो सीरियल दिखा रहे हैं अपने टीवी के ऊपर, उसको खुद दिखाते हैं कि अपने देवता के आगे हाथ जोड़े खड़े हैं श्री राम। तो फिर जब देवता के आगे हाथ जोड़े खड़े, तो खुदा कहाँ से खुदा हुए? तो राजा है बादशाह है, लेकिन उनको खुदा का रूप दे रहे हैं। जो लोग माई बाप और भगवान कहते हैं, राजा से लोगों की आप ही हमारे भगवान हमारी वालदा है। तो कुछ गैर मुस्लिम औरतें उनके पास आती रहती है, बच्चे बच्चे नहीं होते, दुआ करा लेती है, बच्चा हो जाता है, आप हमारी भगवान है, सामने कहा हमारी भगवान है। जो राजा सी बात है भगवान कह दे, उनको भगवान कहने की आदत है, दूसरे को खुदा कहने की आदत है। तो इसलिए इसको संजीदगी में न ले जाए आप, संजीदगी में मुश्रिक जो है, शिर्क जो है, इंसान को इसी गहराई में गिराता है कि इंसान सबको अपने सर पर बिठा लेता है, जानवरों के आगे झुक जाता है, पीपल की जड़ में झुक जाता है। शिर्क तो आदमी को जानवर से ही बदतर कर देता है हकीकत में। ये तो तौहीद है जो आदमी का सर बुलंद करती है और आदमी को सिर्फ एक खुदा की इबादत करनी चाहती है कि दुनिया में हम सबसे बुलंद रहे, हमसे बुलंद कोई नहीं है, बस हमसे बुलंद सिर्फ खुदा है और कोई हमसे बुलंद नहीं। ये तौहीद इंसान को इतना बुलंद मकाम अदा करती है। शिर्क तो आदमी को बिल्कुल बैल बना देती है, बैल से ही बदतर, बल्कि बैल का पुजारी, बल्कि यानी जानवरों का पुजारी बना देता है, इतना गिरा देता है कि आदमी जानवरों का पेशाब तनावर करना बाय से बरकत और तकद्दुस समझने लगता है। शिर्क तो इतना गिरा देता है। तो इस बात की इंशाल्लाह तफसील वजाहत की क्या मतलब था उसका अपना खुदा कहने का, इसकी वजाहत करना चाहिए। कोई सवाल अगर आपके दर्द के बारे में हो तो आप करें। ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.